स्वागत है दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ सिम्फनी डाइट 3D55i एयर कूलर के बारे में, जो कि सिम्फनी का एक टावर एयर कूलर है और इसकी कई सारी पॉजिटिव रिव्यूज़ हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर। लेकिन इसकी खास बात यह है कि इसके हर प्लेटफॉर्म पर नेगेटिव रिव्यूज़ भी पॉजिटिव रिव्यूज़ के बराबर हैं, ठीक है। कि वो इसलिए है क्योंकि इस कूलर के बारे में मिसकंसेप्शन है मार्केट में बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये एयर कूलर एक पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट को सॉल्व करता है, ठीक है। तो आप इसको हर तरह की रिक्वायरमेंट में यूज़ नहीं कर सकते। आपको पता होना चाहिए कि आप इसे कहाँ यूज़ करने वाले हैं, कैसे यूज़ करने वाले हैं, तभी आप इस एयर कूलर के लिए जा सकते हैं। तो इस वीडियो में हम ओवरऑल सब कुछ डिस्कस करेंगे, इसके पॉजिटिव नेगेटिव्स, इसके क्या क्या फीचर्स हैं, इसमें क्या क्या फीचर्स अपग्रेड हुए हैं, इसकी बेस्ट प्राइसिंग क्या है। और साथ में हम इस वीडियो में ये भी डिस्कस करेंगे कि कैसे आप इस एयर कूलर को सबसे सस्ते में खरीद सकते हैं, जो कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि आप इसे ऑनलाइन या ऑफलाइन आप जान सकते हैं कि सबसे सस्ते में ये कहाँ मिल रहा है। अगर आप ऑफलाइन इसे बाय करना चाहते हैं तो आप घर बैठे जान सकते हैं कि आपके आसपास की शॉप्स पर ये एयर कूलर कहाँ सबसे सस्ते में अवेलेबल है, ठीक है। और ऑनलाइन भी आप ऐसा जान सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में हम पूरी डिटेल में इस एयर कूलर के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे इसके लुक के बारे में, जो कि बहुत ही अमेजिंग है। बहुत ही कम स्पेस ही कवर करता है, टावर शेप का एयर कूलर है। इसकी बॉडी जो है वो बहुत ही अच्छे क्वालिटी के प्लास्टिक मटेरियल से बनी हुई है, काफ़ी अच्छी एक्यूरेट फिनिशिंग है, जिस वजह से इसकी जो क्लीनिंग आप इसको करेंगे वो बहुत ही ईजी हो जाएगा क्लीनिंग इसको करना। ब्यूटीफुल लुक के साथ ये आता है। इसमें 3 साइड हनीकॉम कूलिंग पैड्स अवेलेबल हैं, जो कि कूलिंग को बहुत हद तक इन्हेंस कर देते हैं, काफ़ी अच्छी कूलिंग प्रोवाइड करते हैं और एयर को बहुत अच्छा ठंडा करते हैं, जिस वजह से ठंडी हवा ये फेंक पाता है। नेक्स्ट इसमें हम बात करेंगे IPO टेक्नोलॉजी 5 फिल्टर्स के बारे में, जो कि इस हनीकॉम कूलिंग पैड्स के अंदर आता है, जिसकी वजह से ये एयर को भी प्योरीफाई करता है, जिसकी वजह से एयर क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाती है। नेक्स्ट हम इसके अंदर देखेंगे, इसके अंदर वाटर इनलेट और जो आइस चैम्बर है वो इसके फ्रंट में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। इसके अंदर वाटर इनलेट से आप पानी इसके अंदर डाल सकते हैं पाइप के थ्रू या कैसे भी। नेक्स्ट इसके जस्ट बगल में आइस चैम्बर जो दिया हुआ है, उसके अंदर आप आइस पुट करके इसकी कूलिंग को काफ़ी रैपिड और सुपीरियर कर सकते हैं। सुपीरियर एक्सपीरियंस के लिए ये बहुत बेटर रहेगा। लेक्स इसमें हम बात करेंगे, कास्टर व्हील्स इसके अंदर आता है, जो कि आजकल हर कूलर की नीड होती है। तो इसको आप, जिसकी वजह से आप इसे कहीं भी आसानी से दो दो ले जाएंगे, इस्तेमाल कर पाएंगे। नेक्स्ट इसके अंदर हम बात करें तो ये 55 लीटर वाटर टैंक कैपेसिटी के साथ आता है, जो कि बहुत ही बिल्कुल सही 55 लीटर वाटर टैंक कैपेसिटी है, जिसकी वजह से काफ़ी लंबे समय तक ये बिना पानी टैंक में पानी खत्म हुए अच्छे टाइम तक ये अच्छे से कूलिंग प्रोवाइड करेगा, जो कि बहुत सही बात है। इसके अंदर जो एक प्रॉब्लम है वो क्या है, कंपनी दावा करती है कि ये 16 स्क्वायर मीटर एरिया को, कमरे वाले रूम को आसानी से काफ़ी अच्छा ठंडा कर देता है, लेकिन ऐसा इतना नहीं है, मतलब ठीक है। आप इसके, हमारी जो रिसर्च है उससे आपसे हमने कई सारे रिव्यूज़ पढ़े हैं, कोई नहीं कहता कि इस साइज़ के कमरे को आराम से ठंडा वंडा कर देता है। ये एक बहुत ही मतलब ये कूलिंग अच्छी प्रोवाइड करता है, लेकिन इतने बड़े को ऐसा नहीं होगा कि बहुत गर्मी है और अचानक और थोड़ी चीज़ को चलाया और इसने पूरे कमरे को बहुत अच्छे से ठंडा कर दिया, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। इसके आप हनीकॉम कूलिंग पैड्स देख लीजिए, बहुत ही छोटे हनीकॉम कूलिंग पैड्स हैं, जिस वजह से कूलिंग एक लिमिटेड तरीके से होती है। अच्छी कूलिंग होती है पर लिमिटेड तरीके से होती है, मतलब जो कंपनी दावा करती है वो सही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है। अगर आप कंपनी के हिसाब से जाएंगे तो अगर कंपनी को ही जज करेंगे तो फिर ऐसा मत कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट हम इसमें बात करेंगे, जो इसका फैंसी फीचर भी हो सकता है वो है ऑटोमेटिक पॉपअप जो इसके अंदर आता है, ठीक है। वो उसके अंदर आप टच पैनल दिया हुआ है, इसके अंदर आप कैसे भी इसके अंदर कई फीचर्स को हैं जो है कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे स्विंग कंट्रोल इसके अंदर आता है, टाइमर इसके अंदर आता है, पंप को आप ऑन ऑफ कर सकते हैं, इसकी स्पीड को आप कंट्रोल कर सकते हैं। नहीं, इसके अंदर आप एक और चीज़ देखें ना, वो है एम्प्टी वाटर टैंक अलार्म, यानी कि पानी जैसे ही इसमें ख़त्म हो जाएगा तो ये जैसे अलार्म बजता है वैसे इसके अंदर अलार्म बजने लग जाएगा, जैसे आप इस पॉपअप पर क्लिक करेंगे तो ये एक इसका बहुत ही अच्छा एडवांस फीचर है। वैसे इतना खास यूज़ में आता नहीं है पर अच्छा है, ठीक है। तो और इसमें नेक्स्ट आता है ऑटो लोवर्स, इसके अंदर जो सामने आप देख रहे हैं वो इसके ऑटो लोवर्स हैं, यानी कि ऑटोमेटिकली कंट्रोल होते हैं और ये लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं। ध्यान रखें ये 4-way एयर डिफ्लेक्शन नहीं है, सिर्फ 2-way एयर डिफ्लेक्शन है, सिर्फ लेफ्ट टू राइट। साथ में इसमें आता है फुल्ली फंक्शनल रिमोट कंट्रोल, जिसके थ्रू आप वो सारे सभी काम कर सकते हैं जो आप कंट्रोल पैनल के साथ कर सकते हैं। ये एयर कूलर को काफ़ी कन्वीनियंट बना देता है, आप दूर बैठकर भी एयर कूलर को आसानी से कंट्रोल कर सकेंगे रिमोट के थ्रू। नेक्स्ट इसमें जो फीचर है वो SMPS टेक्नोलॉजी, जो मुझे बहुत पसंद है ये फीचर। इस फीचर की वजह से कई बार जो वोल्टेज फ्लक्चुएशन होता है लाइट के अंदर, वो जिस वजह से एक कूलर वगैरह ख़राब हो सकते हैं, तो वो टेक्नोलॉजी इसके अंदर है SMPS टेक्नोलॉजी, जिसकी वजह से कूलर एकदम सेफ है, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। नेक्स्ट इसमें जो अच्छा फीचर है वो है
वाटर लेवल इंडिकेटर जो ऑलमोस्ट हर कूलर के अंदर अवेलेबल होता ही है, ये इंडिकेट करता है कि वाटर टैंक में किस लेवल तक पानी भरा हुआ है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट इसमें कुछ मैं आपको आगे डिस्कस करने से पहले मैं आपको कुछ और पॉइंट कवर करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी प्राइसिंग के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि कैसे आप इस एयर कूलर को सबसे सस्ते में ऑफलाइन खरीद सकते हैं। अगर आप किसी ऑफलाइन स्टोर पर इस एयर कूलर को सबसे सस्ते में खरीदने वाले हैं तो आपको कुछ नहीं करना, आपको दिए हुए लिंक पर, नीचे जो लिंक दिया हुआ है उस पर क्लिक करना है, जो मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। तो दोस्तों हम इस वेबसाइट पर आ गए जिसका नाम है www.editpixart.in। ये वेबसाइट आपको एयर कूलर्स खरीद सबसे सस्ते में प्रोवाइड करने में हेल्प करती है, बाकी आपको गाइड भी करती है कि आपके घर के हिसाब से साइज़ के, रूम साइज़ के हिसाब से कौन सा एयर कूलर आपको बेस्ट रहेगा। आप और आपकी सारी क्वेरीज भी, आपको जो भी एयर कूलर के बारे में आप कन्फ्यूज़ हो रहे हैं कि कौन सा एयर कूलर आपके लिए बेस्ट रहेगा नहीं रहेगा, वो भी आप डाउट यहाँ पर क्लियर कर सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, यहाँ पर कोई चार्ज नहीं होता। ये आपको पूरी तरह से गाइड करते हैं कि कौन से ब्रांड का कूलर आपके रूम साइज़ के लिए ठीक होगा, आप कोई भी डाउट यहाँ पर क्लियर कर सकते हैं। तो देखिए आप यहां देख सकते हैं कि फ्री एयर कूलर गाइडेंस, तो आपको यहां पर एक नंबर दिख रहा है, आपको जो भी, आपको बस कुछ नहीं करना, आपको कॉल करने की भी जरूरत नहीं है, आपको बस इस नंबर को सेव करना है और व्हाट्सएप पर आपको जो मॉडल चाहिए किसी भी तरीके का एयर कूलर, आप इसको भी, इस कूलर को भी कर सकते हैं, इस कूलर का आप नाम डालिए और अपनी जिस जगह पर आपकी लोकेशन उसका पिन कोड डाल दीजिए, वहां पर आपको उसी दिन के अंदर अंदर ये आपको वहां पर आपको पूरी डिटेल्स के साथ मैसेज आ जाएगा कि आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी कि कौन सा आपके आसपास ऐसी कौन सी शॉप है जो एयर कूलर को सबसे सस्ते में बेच रही है, जिससे आप ऑफलाइन जाकर इसे आसानी से परचेज कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है किसी भी एयर कूलर को ऑफलाइन खरीदने का। तो मैंने आपको एक बहुत कमाल की चीज़ बता दी है, तो अब हम बात करते हैं ऑनलाइन तरीके की। तो दोस्तों ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर यह होता है कि कई बार कुछ कुछ घंटों में भी प्राइसेस वेरी करती रहती हैं, जैसे फ्लिपकार्ट या अमेज़ोन पर, इन पर कभी भी डिस्काउंट आकर कभी भी प्राइसेस वेरी कर जाती हैं। तो कभी किसी एक प्लेटफॉर्म पर सस्ता मिल रहा था, कभी दूसरे प्लेटफॉर्म पर सस्ता मिल रहा था, तो ये कैसे जाने कि आपको जब खरीदना है तो उस टाइम पर किस प्लेटफॉर्म पर ये एयर कूलर सबसे सस्ता मिल रहा है, उसके लिए आपको कुछ नहीं करना। उसके लिए मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में एक और लिंक दे रखा है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पर आ जाएंगे। तो दोस्तों हम आ गए इस पेज पर जिसका नाम है सिम्फनी डाइट 3D55i एयर कूलर रिव्यू। ठीक है, तो आप यहां से इस एयर कूलर के बारे में पढ़ भी सकते हैं। तो मैं आपको क्या दिखाने वाला हूं, वो है चेक लोवेस्ट प्राइस, जो आपको बटन दिख रहा है तो ये आपको उस जगह रिडायरेक्ट कर देगा जहां पर आपको एयर कूलर अभी किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, स्टोर पर ये सस्ता मिल रहा हो। तो हम इस पर क्लिक करते हैं तो हम देखेंगे कि जैसे अभी हो रहा है लोड, तो इसने हमें फ्लिपकार्ट पर अभी इसने हमें भेजा, इसका मतलब भी फ्लिपकार्ट पर ही करंटली सबसे सस्ता मिल रहा है। ठीक है, 10299। ठीक है, तो आप यहां से एक बार चेक कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है फ्लिपकार्ट पर ही करेगा, क्योंकि ये वैसे अफिलिएट लिंक है सारे जितने भी अलग अलग प्लेटफॉर्म्स करें, हर जिस भी वेबसाइट पर ये सस्ता मिल रहा होगा ऑनलाइन स्टोर पर। ठीक है, तो जैसे यहां पर सजेस्टेड एयर कूलर्स भी दिया हुआ है, तो आप इनकी चेक लोवेस यहां पर भी बटन दिया है, अगर आप इनको चेक करेंगे तो वैसे तो इन्होंने अमेज़ोन पर फिर से रिडायरेक्ट, इस बार अमेज़ोन पर रिडायरेक्ट करा है, तो यहाँ पे इनकी प्राइस अभी ये चल रही है, तो इसका मतलब अमेज़ोन पर अभी सस्ता चल रहा है। तो आप एक बार फटाफट यहाँ से चेक ज़रूर कर लें। नेक्स्ट अगर हम इसके बात करें कूल फ्लो डिस्पेंसर के बारे में, तो एक बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी है जिसकी वजह से वाटर टैंक से पानी जो स्प्रेड होता है हनीकॉम कूलिंग पैड्स पर बहुत अच्छी तरह होता है, मतलब कंप्लीट हनीकॉम कूलिंग पैड्स इसकी वजह से गीले होते हैं और वो होना बहुत ज़रूरी है एक हवा को ठंडा करने के लिए। कई कूलर जिसमें ये टेक्नोलॉजी नहीं होती उनमें प्रॉब्लम ये होती है कि जो उनमें हनीकॉम कूलिंग पैड्स तो होते हैं पर वो अच्छे से गीले नहीं हो पाते, कुछ उनका बहुत सारा पार्ट सूखा का सूखा रह जाता है और वो पार्ट हेल्प नहीं करता हवा को ठंडा करने में, जिसकी वजह से कूलिंग उतनी इफेक्टिव नहीं हो पाती जितना कंपनी दावा करती है एयर कूलर के लिए। पर ये एयर कूलर, उसके अंदर कूल फ्लो डिस्पेंसर है और काफ़ी अच्छी कूलिंग ये प्रोवाइड करता है, ठंडी हवा प्रोवाइड करता है, अच्छे से कूलिंग करता है। तो हम नेक्स्ट इसमें बात करेंगे, अगर हम इसकी रिक्वायरमेंट की बात करेंगे, किन लोगों को ये एयर कूलर खरीदना चाहिए, किन लोगों को ये नहीं खरीदना चाहिए। तो देखिए टावर एयर कूलर, जो स्पेशली टावर एयर कूलर्स होते हैं, उनका जो मेन फंक्शन होता है वो ये होता है कि स्पेसिफिक डायरेक्शन में, वो तो ऑटो लेवर्स के थ्रू डायरेक्शन चेंज होती रहती है, लेकिन स्पेसिफिक डायरेक्शन में हवा को लगातार फेंकता रहे ठंडी। जो लोग वहाँ बैठे हुए हैं, जो जहाँ पर अपन कूलिंग को चाहते हैं वहाँ पर होना, उस जगह पर वो डायरेक्ट हवा फेंकना, जिसकी वजह से वो लोग उस टाइम के लिए ठंडी हवा खा सकें। ठीक है, तो इसका मिसकंसेप्शन क्या होता है, कूलर कमरे को भी ऑफकोर्स ये ठंडा करता है, बिल्कुल ठंडा करता है, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगता है। अगर आप सोचते हैं कि ये पूरे बहुत भयंकर गर्मी और ये पूरे कमरे को अचानक से तो नहीं, मतलब पूरे कमरे को बहुत तगड़ा वाला ठंडा कर देगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। हनीकॉम पैड्स इसके छोटे हैं और ऊपर से ये एक टावर एयर कूलर है जो इस पर्पज़ के लिए नहीं होता है। टावर एयर कूलर होता है अगर आप जैसे आप सो रहे हैं तो आपको एक इसको टेबल पर रखने की ज़रूरत नहीं होती, इसको बिल्कुल उसी डायरेक्शन में हवा फेंक देता है जैसे अगर आप
बेड वगैरह पे सो रहे हैं तो ये अच्छे से उसी डायरेक्शन में हवा फेंकता है। तो इसका मेन पर्पस ये होता है कि एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में ये हवा फेंकते हैं, जो ऑटो लोवर्स के थ्रू हवा की डायरेक्शन भी चेंज होती रहती है और लोग कंफर्टेबली अच्छी हवा गर्मियों में खा सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर हम इसके रिव्यू पार्ट की बात करें कि आपको ये एयर कूलर लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, तो बिल्कुल आपको अगर टावर एयर कूलर आप चाहते हैं, बहुत अच्छा टावर एयर कूलर चाहते हैं, तो इस एयर कूलर के लिए आपको जाना चाहिए, क्योंकि सिम्फनी कोई छोटा मोटा ब्रांड नहीं है, इंडिया का एयर कूलर मैन्युफैक्चरिंग में लीडिंग ब्रांड भी है। ठीक है, तो ये एयर कूलर बहुत ही अच्छे हैं, अच्छी क्वालिटी है। कई लोग ऑफकोर्स कई लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से रिव्यूज़ होते हैं कि भाई ये आ गया वो टूटा फूटा है, लेकिन वो इश्यूज़ होते हैं मेनली डिफेक्टिव पीस की वजह से, तो आप आसानी से रिप्लेस कर सकते हैं, उसके कोई इश्यू नहीं होता। कूलर में ख़राबी नहीं है, वो डिफेक्टिव पीस आ जाते हैं तो आ जाते हैं, लेकिन उसको आप रिप्लेस करा सकते हैं लिमिटेड टाइम पीरियड के अंदर अंदर, तो आप ज़रूर करवा लें। ठीक है, तो बाकी कूलर की बात है तो बहुत अच्छी कूलिंग प्रोवाइड करता है इसके पर्पज़ के हिसाब से, तो आप इसके ज़रूर कंसिडर करें अगर आप ऐसे अच्छा एयर कूलर टावर एयर कूलर एक अच्छा टावर एयर कूलर ढूंढ रहे हैं, तो इस एयर कूलर के लिए आपको बिल्कुल जाना चाहिए। तो दोस्तों अगर आपको अभी भी कोई इशू है या फिर कोई कन्फ्यूजन है, तो स्क्रीन पर दिए नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं और अपने क्वेरी को सॉल्व कर सकते हैं। और आपने अभी तक इसको वीडियो को देखा तो उसके लिए धन्यवाद, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।